इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209-31336 9737-202129। आदि देवे खज्जाराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय 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 बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनि संघ की जय। जय जय प्रिय बंधुओं तीर्थराज समय शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन सब मिल करके चलते हैं नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद की मंगल कामना को लेकर के भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं आज बड़ा विशेष दिन है हम सबके लिए क्योंकि बहुत वर्षों से लोग बाट जोह रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब इस गुणायतन का पंचकल्याणक होगा। बंधुओं प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है बहुत जल्दी ही कोई शुभ समाचार आप सबको मिलने वाला होगा। आज अनेक स्थानों से लोग यहां पर पहुंच चुके हैं जो इसी बाबत में चर्चा होगी कि आगामी वह कौन सा दिन होगा कौन सी तिथि होगी कौन सा वर्ष कौन सा माह होगा जब हम सब लोग जैसे कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का विशाल पंचकल्याणक महोत्सव हुआ वो बड़े बाबा का पंचकल्याणक था तो ये सम्मे शिखर के बड़े बाबा चंदा प्रभु जिनालय का चैत्यालय का जो पंचकल्याणक हुआ बड़ा विशेष होगा बंधुओं जिसमें अपन सभी लोग बाट जो रहे हैं वो कार्य जल्दी शीघ्र पूर्ण होगा। तो चलिए जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में है सो मधुमती रमेश कुमार जी बढ़ जाते मालेगांव से हैं वो आए अपना प्रथम प्रश्न रख रहे हैं और इसी के साथ तैयार रहेंगी प्रतिमाधारी मीना जी जैन महाराष्ट्र संभाजी नगर से। श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु श्री शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न है स्नेह मोह व्यामोह और विमोह यह संकल्पनाएं एकार्थवाची है या इनमें भेद है और यह धर्म साधना में कहाँ तक साधक बाधक है। स्नेह मोह व्यामोह विमोह आपने पूछा है क्या एकार्थवाची है नहीं। स्नेह और मोह में मौलिक अंतर है। स्नेह व्यक्ति से होता है मोह व्यक्ति और वस्तु दोनों से होता है। किसी के प्रति लगाव या जुड़ाव का भाव होना स्नेह है पर किसी के पीछे मुग्ध हो जाना मोह है। स्नेह में हमारे मन में सामने वाले व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षण मात्र होता है पर मोह में एक प्रकार का पागलपन। जिनसे हमारा स्नेह है हम उनकी अनुपस्थिति में भी अपना काम कर सकते हैं पर जिससे मोह होता है उसकी अनुपस्थिति हमें परेशान करता है। इसलिए स्नेह प्रेम की अभिव्यक्ति है सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति है। स्नेह का एक रूप है वात्सल्य जो हमारे व्यवहार में झलकता है और वात्सल्य को सम्यक दर्शन का एक गुण बताया है अंग बताया है। हमारे हृदय में वो वात्सल्य की लहर उत्पन्न होनी चाहिए निरंतर वात्सल्य भावना हमारे अंदर वृद्धिगत होते रहनी चाहिए। लेकिन मोह अलग चीज है मोह जो हमें मुग्ध बना दे जो हमें पागल बना दे। मोह का ही उत्कृष्ट रूप व्यामोह है
और उसी का एक रूप भी मोह है। ये तीनों मोहों की पर्याय है। समझने के लिए मोह और स्नेह जन लगाव में अंतर अगर मुझसे पूछो तो मैं कह सकता हूँ, गाय का दूध भी दूध है और अकौवा का दूध, अकवन का दूध, आंकड़े का दूध भी दूध होता है। दोनों दूध देखने में सफ़ेद दिखता है पर दोनों की तासीर में बड़ा अंतर है। स्नेह प्रेम गाय के दूध की तरह हमारी चेतना को पुष्ट करता है, तो मोह आंकड़े के दूध की तरह हमारे चित्त को विकृत करता है। इसलिए हम लोग रोज बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम तो फैले पर मोह दूर रहे। लीजिएगा प्रतिमाधारी मीना जी जैन महाराष्ट्र संभाजी नगर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी सुधा दीदी जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी। महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, शुल जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, इस पुण्य दान और पुण्य कर्म से हमें यह पर्याय मिली है, पर कुछ तो भी हमने मायाचारी की हुई, हमें स्त्री पर्याय मिली है, पर क्या हम यह इस पर्याय को सफल कैसे बना सकते हैं? अरे, स्त्री पर्याय मिली है इसका मन में खेद मत रखो, श्रावक पर्याय मिली है इसका हर्ष मत। मैं बात दोहरा रहा हूँ, स्त्री पर्याय मिली है इसका खेद मत रखो, श्रावक पर्याय मिली है इसका हर्ष मनाओ। कम से कम सद्बुद्धि तो है, अपनी आत्मा के हिताहित का शुद्ध तो है। वो पशु का जन्म अच्छा है जिसके अंदर आत्मा के हिताहित का विवेक हो, और वो चक्रवर्ती का जन्म व्यर्थ है जिसे आत्मा के हिताहित का बोध न हो। इसलिए भूल जाओ, मैं स्त्री हूँ इस बात को भूलो, मैं सम्यक दृष्टि हूँ इस भाव को अंदर जगाओ, मैं अपने अंदर के व्रत के गौरव को जगाऊं, और मुझे पर्याय नहीं छेदना, मुझे संसार छेदना है। ये मत सोचना कि आज जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष है, और ये भी मत सोचना कि मैं अनादि से स्त्री बनी हूँ, ये तो पर्याय है। अनेक अनंतों बार हमने स्त्री पर्याय नपुंसक के चोले को धार करके छोड़ा है। ऊपर के तत्व को मत देखो, ऊपर के चोले को मत देखो, भीतर के तत्व को देखने की कोशिश करो। सम्यक दृष्टि की दृष्टि उसी पर होती है। इसलिए कहते हैं, सीप का नहीं मोती का, और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करो। समझ गए? लीजिएगा ब्रह्मचारिणी सुधा दीदी जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी छत्रपति शिवाजी नगर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमती प्रियंका जी रूपेंद्र जी जैन जबलपुर वापी गुजरात गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न है महाराज जी, ये जन्म हमारे जीवन में जन्म से जीवन तक पर्यंत बहुत उपकार हमारे गुरु माता और पिता के होते हैं, ऐसे ही उपकार परम पूज्य गुरुदेव ने भी हम पर हमारे पिताजी पर किए हैं। पिताजी की समाधि परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए इतना प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया था कि पिताजी का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, यानी बीमारी की अवस्था में अंतिम काल में उनकी बहुत आकुलता व्याकुलता बढ़ गई थी, लेकिन पिताजी का आचर्य के बाद पिताजी का विश्व यानी पिताजी जो मानते थे प्रमाण सागर महाराज जी को ही मानते थे, तो वह पहले तो उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में संलेखना के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा भी महाराज जी का पता लगा कर, यानी महाराज जी कहाँ है ढूंढ कर बिलवाड़े में आए थे, और उसके बाद भी फिर महाराज जी से यानी बार बार उनसे जाना चाहते थे, लेकिन बीमारी की अवस्था में जा नहीं सके। तो एक बार जब उनको बहुत तकलीफ हुई तो सब में पहले उन्होंने याद किया, बोले मुझे प्रमाण सागर महाराज के पास ले चलो। तो इतना यानी भावनिक हो गए थे कि बोले मुझे लेना ही लेकर जाना है, तो जाने की अवस्था नहीं थी। उन्होंने उसी दिन तुरंत बोले अब भी तुमको जाना है,
प्रमाण सागर महाराज के पास जाकर मेरे लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा लेकर आओ, यानी उनसे आशीर्वाद भी लेकर आओ। तो हम तुरंत महाराज जी के पास पहुंचे तो महाराज जी ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन प्रेरणा दी कि उस कारण पिताजी ने संलेखना इतनी कॉन्फिडेंटली यानी कॉन्फिडेंस से की कि वो बहुत यानी फ्रेश हो गए और बोले कि मेरी समाधि मैं भी कर सकता हूँ यदि मुझे कोई गुरु न भी मिले, क्योंकि मुझे मेरे साथ गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। ऐसा गुरु ने हम पर पिताजी पर हम पर उपकार किया है और वैसे ही पिताजी की प्रेरणा से निर्माण स्तंभ लिया था, निर्माण स्तंभ में शामिल हुई थी और ट्रस्ट में भी पिताजी की प्रेरणा से शामिल हुई थी। इसी बारे में प्रश्न है कि गुरुदेव कि माता पिता एवं गुरु का उपकार हम उपकार और ऋण हम पर बहुत होता है, तो इस प्राप्त जन्म में हम गुरु के माता पिता के ऋण से मुक्त हो सकते हैं क्या? हुए तो कैसे और कब हुए, कृपया मार्गदर्शन दें। शास्त्रों में लिखा है तिन्हम उयारम दुह पड़ियारम, तीन का उपकार दुष्प्रतिकार होता है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता, भर्ता और गुरु, माँ बाप के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। भर्ता यानी जीव का दाता, जिसने तुमको जीव का दी, जिसके माध्यम से तुम्हारा भरण पोषण हुआ, जिससे रोजी रोजगार मिला। और तीसरा गुरु। माता पिता जन्म देते हैं और जो रोजगार देते हैं वो जीवन की व्यवस्था देते हैं, पर गुरु जीवन की दिशा देते हैं। ये तीनों का उपकार चुकाया नहीं जा सकता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी इनके उपकारों को चुका पाना असंभव है। फिर भी यदि हम इनके उपकार को चुकाना चाहें तो तीनों के उपकारों को हम अलग अलग तरीके से कुछ अंशों में पूर्ण कर सकते हैं। माँ बाप के उपकारों को चुकाने के लिए चार उपाय करो। माता पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, दूसरा अपने आचरण और व्यवहार से उनके नाम को रोशन कर, तीसरा अपनी उपलब्धियों का सारा श्रेय उन्हें देकर, और चौथा उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। माँ बाप को कभी ऐसा एहसास मत होने दो कि उन्हें लगे कि बच्चों के रहने के बाद भी मेरा कोई नहीं है। आजकल बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिलता है। हर व्यक्ति सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को अकेला सा महसूस करता है। एक बार एक अरब बती सज्जन ने भींगी आंखों से मुझसे अपनी व्यथा कहते हुए कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। यह उनके अंदर की वेदना थी। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आज मुझे लगता है कि जितना समय और शक्ति मैंने पैसा कमाने के लिए लगाया उतना यदि किसी और के लिए लगाया होता तो शायद आज ज्यादा अच्छा होता। तो पहली बात, माता पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न रखो। दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपने माँ बाप के नाम को यश को बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए और कुछ भी उपलब्धि हो सबसे पहले उनके चरणों में जाकर कहो कि आपकी कृपा का फल है, आपकी कृपा से मुझे ये मिला, पैसा कमाया तो आपकी कृपा से, नाम कमाया तो आपकी कृपा से, और कोई पुण्य का काम किया तो आपकी कृपा से। सही है, सही है। और फिर उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो तो माँ बाप के ऋण को कुछ अंशों में चुका सकते। जीव का दाता का ऋण उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर कुछ अंशों में चुकाया जा सकता। कितने भी ऊंचाई पर चले जाओ उनको भूलना नहीं। एक बार एक बड़े उद्योगपति मेरे पास बैठे थे, नाम नहीं बोल रहा हूं, और उनके सामने एक साधारण सा व्यक्ति आया।
उन्होंने कहा महाराज जी हमारी जो शुरुआत है इनके पिताजी के होंगे, हमारे पिताजी इनकी पिताजी की गद्दी पर बैठकर अपने कारोबार की शुरुआत की, महाराज आज हम जो कुछ है ना इनकी वजह से। सामने वालों को आंखों में पानी, वो एक साधारण सा व्यक्ति मुनीम ही करता। उसने कहा महाराज वो राजस्थान से थे, हम लोग वहां से पहुंचे अपने कारोबार की शुरुआत की तो तब से ये ऐसा है। ये व्यक्ति की महानता होती है, कितनी भी ऊंचाई को छू लो लेकिन वक्त पर जिनने तुम्हें साथ दिया है उसको कभी मत भूलो। ये हमेशा ध्यान रखना, उनके साथ कभी धोखा मत करना, उनके साथ विश्वासघात मत करना और उनका कभी अहित करने की बात मत सोचना, और मौका आए तो उनके लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर रहना। ये उनके उपकार का कुछ अंशों में ऋण चुकाया जा सकता है। और गुरु, गुरु का ऋण चुकाने के लिए गुरु के आदर्शों को आत्मसात करो, गुरु का गौरव ऊंचा करो, गौरव बढ़ाओ। गुरु के ऋण को चुकाने का बस यही एक छोटा सा रास्ता हो सकता है जो कुछ अंशों में कर सकते हैं। तुम अपने आचरण और व्यवहार को ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु के प्रति भी निष्ठावान बन जाए, श्रद्धा नवश्रद्धावनत हो जाए कि ये कैसे महान गुरु के शिष्य है। ऐसा ना कहे कि ये कैसे गुरु का शिष्य, इनके गुरु कैसे, ये कैसा कर रहा है, ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए। श्रीमती प्रियंका जी, रूपेंद्र जी, जैन जबलपुर वापी गुजरात, गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर बी के डी जैन ग्वालियर से डॉक्टर सुनीता जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष ग्वालियर। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री मेरी शंका यह है कि पानी और वाणी दोनों में इंसान की छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। पानी को स्वच्छ करने के लिए विज्ञान ने बहुत आविष्कार कर दिए, कई साधन है पानी को स्वच्छ करने, वाणी को कैसे स्वच्छ रखें। बहुत अच्छी बात। पानी और वाणी दोनों में मनुष्य का प्रतिबिंब दिखता है। पानी स्वच्छ हो तो मनुष्य का चित्र नजर आता है और वाणी स्वच्छ हो तो मनुष्य का चरित्र नजर आता है। बहुत अच्छी बात कही है और आपने ये कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि पानी को स्वच्छ बनाने के बहुत सारे उपाय कर लिए। वाणी को स्वच्छ बनाने के लिए क्या करना है, बस हमारी संस्कृति ने वाणी को स्वच्छ बनाने की बहुत सारी बातें कही है। शुरू से हमारी संस्कृति में ये बात कही गई है कि हमें अपनी वाणी को स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे यहाँ कहा सत्य पूतम वदेत वाचा, अपनी वाणी को वचनों को सत्य से छान करके ही बोलो। अर्थात हमेशा कुछ भी बोलो तो बोलने के पहले तौलो। हित मित और प्रिय वचनों को बोलने वाला ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। वाणी को हम कैसे स्वच्छ करें उसके चार उपाय बता रहे हैं, है ना। अपने जिब्बा को एक संपादक की तरह रखना चाहिए। कोई भी शब्द बोलने से पहले उसके परिणाम को समझ लो और बोलने के पहले स्खलन ना हो उससे बचे। चार तरीके के उपाय अगर व्यक्ति अपनाए तो अपने वाणी में काफ़ी अंशों में माधुर्य प्रकट कर सकता है। सबसे पहला, नित्य एक आत्म सुझाव अपने मन को दो कि मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, या मुझे मीठा बोलना है। ये आत्म सुझाव जब हम अपने अवचेतन मन में डाल देंगे तो बोलते समय एक अंदर से आवाज आएगी, संभल के बोलो, सही बोलो, सुंदर बोलो। अपने जीवन में एक अनुभव किया होगा, रात दिन अनर्गल बातें करने वाला व्यक्ति भी यदि किसी बड़े आदमी के सामने, किसी उच्च अधिकारी के सामने खड़े होकर बात करता है तो बहुत नपे तुले शब्दों में करता है। क्यों संभल कर क्यों बोलता है, क्योंकि उसने अपने मन में ये बात फीट कर रखी है कि यहाँ मुझे कैसी बात करनी है। बस जिस दिन ये बात आपके मनोमस्तिष्क में अंकित हो जाएगी मुख से ऐसे शब्द उच्चारित होंगे ही नहीं। दूसरी बात, यदि कदाचित ऐसे शब्द बाहर निकले तो जैसे ही उसका एहसास हो
अपनी निंदा गढ़ा करो, 9 बार भगवान का नाम लो और मन ही मन संकल्प करो, दोबारा ऐसा मैं नहीं करूंगा, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अपने मन को कुछ हम दंड दे, पनिशमेंट दे, ऐसा करने से हमारी वाणी में संयम आता है। तीसरी बात, अपने आदतों को अंकुश में रखे, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कम रख करें जिनके साथ हमारे बोलने की आदत बिगड़ती हो, हमारी भाषा बिगड़ती हो, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जो व्यक्ति जैसे लोगों के बीच होता है उसकी वैसी ही भाषा बन जाती है और फिर व्यक्ति कुछ भी बोलने लगता है, तो उससे बचे, उसके प्रति हमारे अंदर सावधानी होनी चाहिए। ये सावधानी अगर मन में आएगी तो हम अपनी भाषा को बहुत अंशों तक संयत कर सकेंगे। और चौथी बात जो मैंने कई लोगों से प्रयोग भी कराया है, एक काम कर लो, जब जब तुम्हारे मुंह से निकले कि मैंने कुछ गलत बोला है, उतनी बार मंदिर के गुल्लक में पेनाल्टी के रूप में 10 रुपया डालना शुरू कर दो, एक आध हफ्ते बाद मुझसे बात करना। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मौन एक अपने जैन समाज में, मतलब जैन धर्म में बहुत बड़ी साधना मानी गई है, तो मौन जो है वो कब तक रहना चाहिए, और मतलब इसका उपयोग हमारे अपने जीवन में ताकि हमारा जीवन सुधरे उसके लिए कितना उपयोग करना चाहिए? देखो, जहाँ झगड़े की संभावना हो मौन हो जाओ, जहाँ पाप की संभावना हो मौन हो जाओ, ये दो जगह तो मौन रहना ही चाहिए। झगड़ा होने लगे मौन हो जाओ, पाप की संभावना दिखे एकदम मौन हो जाओ, तो इस दो जगह तो एकदम मौन रहना ही चाहिए। इसके अलावा मौन एक साधना है, मौन रहने से हमारी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती है, आधी प्रवृत्तियाँ कम हो जाती है, और जब हम मौन रहते हैं तो हमारी अंदर की चेतना ज़्यादा मुखरित होती है, उससे हमारी क्रियात्मकता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। तो व्यक्ति को अपनी अनुकूलता के रूप जितना मौन साध सके साधना चाहिए, लेकिन मौन केवल मुंह का मौन नहीं, मन का भी मौन होना चाहिए। कई लोग मौन रखते हैं और मौन में आम दिनों से ज़्यादा बोल लेते हैं, इशारा करके बोल रहे हैं, स्लेट से लिख करके बोल रहे हैं, तो इस मौन में वो मजा नहीं है। तुम्हारी प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। मौन यानी मौन, अब मौन मतलब निज के साथ संवाद, अपने आप से बात करने की बात, तो मौन का मजा। निवेदन कर रहा हूँ मैं डॉक्टर बी के डी जैन, ग्वालियर से प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता जी जैन साथ। बंधुओं, मन वाणी और काय को शुद्ध करने का एक फिल्टर यहाँ पर लग रहा है गुणायतन में, जो कि 3 दिवसों में इनको पवित्र करने का उपाय है, वो है भावना योग शिविर के माध्यम से 26, 27, 28 मई को। बंधुओं, आप यहाँ पधार करके पूज्य श्री के सानिध्य में अपने मन वचन काय को शुद्ध करने का एक उपाय, वो है भावना योग, जरूर शामिल हो। और अपना रजिस्ट्रेशन अपने प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप जरूर करा लें, जिससे कि गुणायतन आपकी पूरी व्यवस्था आपको दे सके। लीजिएगा डॉक्टर साहब। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा शशि रश्मिकांत जी शाह अहमदाबाद से, जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं। गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी छुल्लक, सभी छुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी, ये प्रश्न एक सांगानेर संस्थान से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शास्त्री हैं ग्वालियर में, उनके द्वारा है कि कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना में क्या अंतर होता है? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, हम जो क्रिया करते हों कर्म चेतना है, हम जो कर्म फल का अनुभव करते हों कर्म फल चेतना है, और केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहना ज्ञान चेतना है। ये इन सब का शब्दार्थ है। आगम के परिप्रेक्ष्य में एक इंद्रियों के पास केवल कर्म चेतना होती है, त्रस्त जीवों के पास कर्म और कर्म फल चेतना होती है, और ज्ञान चेतना प्राणों से अतिक्रांत परमात्मा की होती है। नमस्कार। निवेदन कर रहा हूँ प्रांतीय अध्यक्ष अहमदाबाद से रश्मिकांत जी शाह, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अरुण जी जयपुर से प्रांतीय अध्यक्ष। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इलक जी के महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज, मेरी शंका यह है कि
आज जैसे एक तिथि का जो क्षय होता है उसके चलते सप्तमी और अष्टमी इकट्ठी है, अभी अनजाने में अष्टमी का उपवास नहीं होने से कोई दोष लगता है क्या? अष्टमी का उपवास अनजाने में नहीं हुआ तो जब मालूम हो जाए तो जान के पूरा कर लेना, बराबर हो जाए। नमस्ते। अरुण जी जयपुर से प्रांतीय अध्यक्ष, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं श्री राकेश जी जैन चांदीवाल आगरा से प्रांतीय अध्यक्ष। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, सभी सुलग जी को इच्छामि 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 इच्छामि। महाराज जी मेरी शंका यह है, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। तो गुरुवर हम अपने चरित्र को निर्मल और किरदार को दूसरों के लिए अनुकरणीय कैसे करें? हम अपने चरित्र को निर्मल और किरदार को दूसरों के लिए अनुकरणीय कैसे बनाएं? देखिए, अपने चरित्र की निर्मलता और अपने किरदार को अनुकरणीय बनाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं के स्वरूप को जानना होगा। चार बातें मैं कहूँगा जिससे हमारे चरित्र में निर्मलता और हमारा किरदार अनुकरणीय बने। सबसे पहले व्यक्ति के हृदय में अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए, मैं कौन हूँ इसका बोध हो। जैसे एक कोई सभ्य मनुष्य अपने उस पोजीशन को देखता है तो कभी कोई अकार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होता, वो कोई अपराध करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी छवि के अनुकूल नहीं है। इसी तरह जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का बोध होता है वो कोई अकार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है ये मेरा स्वभाव नहीं। तो पहली बात स्वरूप बोध, वो हमारे जीवन को हर तरीके से अनुशासित करता है। दूसरी बात पाप का डर, पाप से भीति। यदि मन में पाप का डर होगा तो मनुष्य अपने चरित्र में किंचित भी विकृति नहीं लाने देगा, वो अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा, क्योंकि मनुष्य के पाप लिप्सा उसे पदभ्रष्ट करती है, उसके कारण उसका चरित्र विकृत होता है। लेकिन जिसके हृदय में पाप का डर होता है वो सपने में भी ऐसा कोई काम करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। तीसरी बात संवेदनशीलता, हमारे हृदय में अपने साथ औरों के प्रति भी संवेदना होनी चाहिए। ये संवेदनशीलता अगर हमारे हृदय में गहराएगी तो व्यक्ति अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा और अपने किरदार को अच्छा बनाएगा, क्योंकि वो अपने साथ अपनी प्रत्येक भूमिका में औरों का भी ख्याल रखेगा। केवल अपना ख्याल रखना हमारी एक प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति का परिणाम है, और अपने साथ साथ औरों का ध्यान रखना हमारे व्यापक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। तो जिसका व्यापक दृष्टिकोण होता है उसका ही किरदार अनुकरणीय बन पाता है। इसलिए अपने हृदय में संवेदनशीलता को जगा करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्वरूप का बोध, पाप से डर, संवेदनशीलता, और चौथी बात एक प्रकार का आत्मानुशासन, जो मनुष्य के अंदर जग जाए तो वो व्यक्ति हर किसी के लिए आदर्श बनेगा और जीवन को बेहतर बना सकेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूँ राकेश जी चांदीवाल आगरा से प्रांतीय अध्यक्ष, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं माननीय कन्हैयालाल जी सेठी महामंत्री गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु भगवान, सभी छोलक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज बच्चों का प्रश्न है, बच्चे पूछते हैं कि पानी या जल छानने के बाद हमने त्रस जीव तो निकाल दिए, लेकिन जो पानी बचा वो भी जल का एक जीव ही है, क्या वो पीने योग्य हैं? कि वो जीव तो वो हैं, तो उन बच्चों को क्या समझाएं वो बता दें। उनको बोलो कि ये सत्यानुष्ठान है, समझ गए, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए इस चीज को स्वीकार किया गया है। पत्रस जीव का घात नहीं होना चाहिए, गृहस्थों के लिए यही एक रास्ता। निवेदन कर रहा हूँ श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद बिहार से गुणायतन महामंत्री और शिरोमणि संरक्षक, इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक श्री सुरेंद्र जी पीती जी गुवाहाटी से। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। छोले जी को इच्छा भी इच्छा भी इच्छा। महाराज श्री, उम्र पार होने के बाद जीवन में क्या सार है?
उम्र पार होने के बाद जीवन में क्या सार। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से कन्हैया लाल जी का स्वागत करें, और इनसे कहूंगा आप ये मत मानो कि मेरी उम्र हो गई, अभी आप सोचो अभी मेरी उम्र है, क्योंकि पंच के लालक बाकी है। अपने अंदर का उत्साह बना के रखना चाहिए। बात जहाँ तक है उम्र पार होने के बाद जीवन के सार की, तो मैं तो कहता हूँ उम्र पार होने के पहले ही जीवन के सार को पहचानो। जो उम्र पार होने के पहले जीवन के सार को पहचानते वो सार पाते हैं, और उम्र ढल जाने के बाद जो सार की बात सोचते हैं उनका जीवन बेकार हो जाता है। अब हमें जागना है और जो बचा है उसे अपनाना है। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इसमें ही सार दीजिए। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री ऋषभ कुमार जी जैन दिल्ली से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। प्रश्न महाराज श्री, अगर आपकी इजाजत हो तो दो पूछ ले, बहुत दूर से आए हैं। पूछ लो, तो पहले प्रीति पूछ लेगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, भाग्यशाली और सौभाग्यशाली में क्या फर्क है? बहुत सुंदर। भाग्यशाली और सौभाग्यशाली में क्या फर्क है? अनेकों ने अनेक अनेक तरीके से इसकी व्याख्या की है, पर मैं आज अलग अंदाज में व्याख्या करता हूं। मुझे कोई अनुकूल संयोग मिले, ये मेरा भाग्य है। मुझे कोई अनुकूल संयोग मिले, ये मेरा भाग्य है, और मैं उसका अच्छा प्रयोग करूं, ये मेरा सौभाग्य। नमोस्तु गुरु। भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास पर्याप्त धन है, वो भाग्यशाली हो सकता है, पर सौभाग्यशाली वो है जो धन का सदुपयोग करता है। भाग्यशाली वो है जो स्वस्थ शरीर पाया, पर सौभाग्यशाली वो है जो अपने शरीर का सही उपयोग कर रहा है। तो अनुकूल संयोगों का मिलना भाग्य है, और उसका सही उपयोग करना सौभाग्य। दीजिएगा, निवेदन कर रहा हूँ। नमो भैया जी, एक हम हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री, मैं जो प्रश्न पूछ रहा था कुछ उसका आधा अंश अभी एक भैया ने भी वाणी के लिए पूछा, और मैंने आपका कुछ दिन पहले एक प्रवचन सुना था क्रोध पर। तो महाराज श्री, ऐसा है क्रोध करना खराब है, बहुत ही खराब चीज है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार बिजनेस में, परिवार में या समाज में काम करते हुए कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जहाँ पे सामने वाले को कई बार बताने के बाद भी वो काम वैसा नहीं होता है, या किसी को समझाने के बाद भी वो काम के कारण नुकसान हो जाता है, तो उस वक्त क्रोध आ जाता है। और उस वक्त जो आदमी देखता है उसको लगता है ये आदमी पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, वो अपनी एक धारणा बना लेता है, और उस आदमी का किया कराया सारा पानी में मिल जाता है। तो ये जो एक सिचुएशन के कारण क्रोध आ जाता है, अब ये जानते हुए भी कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब कई बार काम करते हुए, व्यापार करते हुए ये एक सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, तो इससे सामने वाला भी कुछ समझ सकता है, ऐसा भी कोई विचार है? या जो क्रोध कर रहा है कंट्रोल उस वक्त उस क्षण नहीं हो पाता है हालात के कारण? आपके प्रश्न का आशय मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि क्रोध भले बुरा है, पर कुछ जगह क्रोध करना जरूरी जैसा लगता है। एकदम मैं आपकी बात से सहमत नहीं। क्रोध बुरा है और पूरी तरह गैर जरूरी है। जो अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाते वे ही क्रोध के आवेग में बहते हैं। जिनके हृदय में भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है, वो कैसा भी कारण होता है अपने आप को संभाल कर रखते हैं। आपने कहा कि
अपने कार्य क्षेत्र में कई बार क्रोध करना पड़ता है, पर मेरा अनुभव यह बताता है, शायद ये आपका भी अनुभव होगा, क्रोध प्रकट करके कराए गए काम में और बोध जगाकर कराए गए काम में किसमें ज्यादा मजा आता है और किसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है? बोध कराकर। तो हम क्यों क्रोध करें? हम खुद अपना बोध रखें और सामने वाले को बोध जगाएं। देखो मैं एक प्रसंग सुनाता हूं, बहुत अनुकरणीय प्रसंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा, उनको सुबह से रोज चाय लगती थी, तो जो उनका कुक था कुछ दिनों से वो रोज लेट उठ रहा था। अब उसके लेट उठने से, चाय लेट मिलने से इनके सारे कार्यक्रम बिगड़ जाते थे। उन्होंने क्या किया, एक दिन खुद उठकर चाय बना ली और चाय की ट्रे लेकर नौकर के पास गए, कहे भाई साहब उठिए चाय ले लीजिए, भाई साहब उठिए चाय ले लीजिए। वो आंखें खोला तो एकदम सकपका गया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, पर वहां सपना नहीं था, यथार्थ था। चरणों में गिर गया, माफ कीजिए, उसके बाद दोबारा उसे कहना नहीं पड़ा। ये क्या है? बोध जगाना। इसलिए क्रोध से बचो, बोध से काम लो। लेकिन इतना संयम है कहां? आप सब लोग तो एकदम लोडेड पिस्टल हो, अपने पास लोडेड रखते हो, AK-47 एकदम लोडेड, थोड़ा सा भी हो फट से फायर, एक पल नहीं लगती। प्रीति को हंसी आ रही है पूरी। नहीं, वो तो भोग रही होगी, हंसी तो आएगी, सबकी यही कहानी है। इस जगह कमजोरी को दूर करना चाहिए और उस समय ख्याल रखो कि नहीं, हमें बोध रखना है। और एक बात बोलो, जहां बोध होता वहां क्रोध होता ही नहीं। बोलो, अभी मैं तुमसे कुछ कह दूं, गुस्सा करोगे? नहीं। क्यों? बोध है आपके सामने नहीं करना है। मेरे सामने नहीं करना है बोध है तो कहो कि घरवाली के सामने भी नहीं करना है बोध, जगा लो। नहीं, महाराज जी, घरवाली का सिर्फ बात नहीं है, किसी की मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये बोध जगा लो, मन में ऐसी बात बिठा लो कि मुझे क्रोध करना ही नहीं। बस वो संस्कार जग जाए तो बेड़ा पार। नमस्ते महाराज, निवेदन कर रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री ऋषभ कुमार जी दिल्ली से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु तथा ब्रह्मचारी और छुल्लक गण को इच्छा में। महाराज जी, आज से लगभग 100 वर्ष पहले जहां कहीं भी जैन परिवार इकट्ठे रहते थे वो चार काम अवश्य करते थे। पहला काम था मंदिर की स्थापना करना, दूसरा काम था स्कूल को बना के रखना, तीसरा काम था एक औषधालय बनाना, और चौथा काम था एक धर्मशाला बनाना। अधिकतर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में जहाँ भी जैनियों के 150 परिवार रहते हैं, ये चारों चीज़ें वहाँ पे निश्चित रूप से पाई जाती हैं। मैं लगभग 65 वर्ष से भी अधिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं, तो मैं आज आपके अंदर एक जागृति देखना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गए। उसी वजह से जो वो उस जमाने में होता था, सारे विश्व में जैन समाज सबसे अधिक शिक्षित माने जाती है, 98% जैन जो हैं वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में शिक्षित हैं, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड्स है ना उनमें अगर अपना नाम लिखना आ जाए तो वो शिक्षित कहलाता है। हमें आज के दिन लौकिक शिक्षा में हायर एजुकेशन की जरूरत है। मैं आप में आस्था भी है, आप में इच्छा भी है,
और आप में सामर्थ्य भी है। मैं इन तीनों को मिला के आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए। ये सारा समाज आपके साथ होगा। हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़िए, कोई यूनिवर्सिटी का निर्माण कराइए, वहाँ पे आप देखिए हमारे बच्चे, मैं जानता हूँ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे एक टेम्परमेंट है कि फूड को शेयर किया जाएगा। अब 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसको नहीं पता कि वो किसके साथ क्या फूड शेयर कर रहा है। तो हमें जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। हम लोग तो इकट्ठे हो नहीं सकते। हम अगर किसी को कहें कि भाई एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है, कोई नहीं देगा, आपको 50,00,000 रुपए दे देगा महाराज, आपके इशारे पे सब काम हो जाएगा। आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र के अंदर कदम रखिए। और मंदिर तो बनी रहे हैं, बहुत सुंदर बन रहे हैं, आचार्य श्री के मैंने बहुत सब मंदिर देखे हैं। आप इस मंदिर को मैं कल बहुत गौर से देखने वाला हूं। मेरी आपसे विनती है कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा अपना आगे बढ़े। देखिए बहुत ही सामयिक सुझाव, सुझाव नहीं प्रस्ताव डॉक्टर आर के जैन साहब ने दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। और 65 वर्षों का इनका अनुभव रहा, यह शिक्षा विद भी रहे हैं, और अगर मेरी जानकारी सही है तो भारत के विदेश मंत्री को भी इन्होंने पढ़ाया है, सही है ना? ये हमारे लिए अच्छी गौरव की बात है, तो ये एक अच्छी बात है। आपने जो प्रस्ताव रखा बहुत उत्तम है, लेकिन इस विषय में कुछ बातें हैं जो बहुत गंभीरता से विचारनी है। वर्तमान में एजुकेशन एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है, इसे चैरिटी से चलाना बहुत टेढ़ी खीर है। हम वो गुणवत्ता नहीं दे सकते जो देना है। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए वैसी ही व्यवस्था चाहिए महाराज, मैं उसी व्यवस्था के लिए आ रहा हूं आपकी बात पर, वो व्यवस्था चाहिए। तो इसमें बहुत कठिनाइयां होती है। जैन समाज के लिए आपने जो प्रस्ताव रखा, मैं पहला सुझाव पूरी जैन समाज को दूंगा कि देश में जहां जहां हमारे विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको अपग्रेड किया जाए और उनको वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप करें। एक जमाना था, मैं खुद जैन स्कूल का प्रोडक्ट हूं, मैं जैन मिडिल में पढ़ा, और उस समय पैरवी से एडमिशन होता था। सारे देश भर के जैन विद्यालयों के ऐसा ही नाम था, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता आप में से भी बहुत सारे लोग जैन स्कूल्स में पढ़े होंगे, पढ़े, लेकिन आज वहां नहीं है। तो जितने भी विद्यालय देश भर में संचालित हो रहे हैं, उनके संचालकों को चाहिए कि वो उन सारे विद्यालयों को अपग्रेड करे, उसे वह स्वरूप प्रदान करे जो किसी कॉन्वेंट स्कूल से भी अच्छा रूप दे। अभी मुझे मालूम पड़ा झारखंड सरकार ने एक पहल की है कि यहां के कुछ स्कूल्स को जो सरकार के एड से चलती थी, CBSE के पाठ्यक्रम से जोड़ करके उसको अपग्रेड करने का उपक्रम कर रही है, इंग्लिश मीडियम से कर रही है। जब सरकार ये काम कर सकती है तो समाज क्यों नहीं कर सकती? इस पर मंथन होना चाहिए। आज भी जनसंख्या के अनुपात से जैनों के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कम नहीं है, मेरे ख्याल से अगर हिसाब लगाया जाए तो हजारों की तादाद में। यदि उन सबको एक साथ इच्छा शक्ति के साथ अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपने मुझे आगे आने की बात की, मैं तो हमेशा आगे हूं, प्रेरित भी करता हूँ, प्रोत्साहित भी करता हूँ, और लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आने के लिए हमारे उपदेशों से बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। आपने यूनिवर्सिटी खोलने की बात की, एक बहुत बड़ी परियोजना मेरे मन में है, पर समय से पहले मैं प्रकट करना नहीं चाहता। सब चीजें अंदर चल रही है, मुझे इतना ही पता है, जब समय आता है तभी काम होता है। लेकिन चूंकि आज आपने बात छेड़ी,
तो संदर्भ में ये कहूंगा कि देश भर की जैन समाज मिल बैठकर मंथन करे, और पहले से जो हमारे संचालित विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनको आज के समय के अनुरूप बनाए। उसके लिए जो आधारभूत संरचनाओं की और आवश्यकता, उसकी पूर्ति की जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। और रहा सवाल, परम पूज गुरुदेव ने तो इसमें एक बहुत बड़ी अलग जगह दी प्रतिभा स्थली के रूप में। आज पूरे देश में 5-5 प्रतिभा स्थली बहुत अच्छा काम कर रही। पर यह बात जो मैंने कहा कि एक इंडस्ट्री बन गई है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम चैरिटी से नहीं करा सकते। आज रुपेंद्र भाई मुझसे कहा कि उनका बच्चा बापी में राधा स्वामी स्वामी नारायण के गुरुकुल में पढ़ता है, अभी 5 साल का बच्चा है, 1 लाख रुपया साल की फीस है, और 1 लाख रुपये साल की फीस में वो अपने बच्चे को एक चैरिटेबल संस्थान के द्वारा संचालित विद्यालय में पढ़ा रहा है। और मैं मानता हूं तभी वहां वो गुणवत्ता होगी। आप चैरिटी से कोई स्कूल खोल दीजिएगा तो आपके बच्चे नहीं आएंगे। जैनियों के साथ एक बड़ी समस्या है, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। अभी प्रतिभा स्थली में संभ्रांत घर के बच्चे नहीं जाते क्योंकि वहां की फीस कम है। 70,000 को 7 लाख बना देना तो तुम लोग लाइन लगाओ। एक फैशन बन गया, स्टेटस का सिंबल बन गया, जबकि वहां की शिक्षा गुणवत्ता युक्त शिक्षा है। वहां तो फीस केवल इस वजह से कम है क्योंकि फैकल्टी का खर्चा नहीं लगता, क्योंकि सब बहनों ने अपना जीवन अर्पित किया। हमने स्कूल खोल दिया, फीस बढ़ा दी तो चैरिटी नहीं है, और फीस घटाए तो जिनके लिए खोली वो आएंगे नहीं। आप ही जैसे घर के आपके पोते पोती कहेंगे वहां तो बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के स्कूल है, हम नहीं जाएंगे। अभी एक बच्ची के लिए सुझाव दिया किसी ने कि वनस्थली में चले जाओ, वहां देख के आए, बोले नहीं वहां तो मिडिल क्लास फैमिली, हम वहां नहीं जाएंगे। ये जो ट्रेंड है आज का, ये जब तक नहीं बदलेगा हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। समाज को व्यापकता से सोचना होगा, हमें गरीब वर्ग को भी देखना है और समाज के धनी वर्ग को भी देखना है। उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाए, या तो एक रास्ता हो, एक चैरिटेबल स्कूल हो और एक इंडस्ट्री हो स्कूल के नाम से, अच्छे से एक इंडस्ट्रियल स्कूल खोलकर वहां से पैसा कमाओ और चैरिटी में आ चैरिटी कराओ, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को पढ़ाओ, तब शायद कुछ रास्ता बने। महाराज मेरा इसके लिए सोचना चाहिए, मैं पूरी बात करूं अपनी, तो इसके लिए बहुत गंभीरता से मंथन की जरूरत है। आज आपने बात रखी है और मैं तो आपसे ही कहूंगा परियोजना बनाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आओ, क्योंकि हम बातों पर विश्वास कम करते हैं, काम पर भरोसा ज्यादा करते हैं। आर के जैन साहब, आपकी क्षमता को मैं जानता हूं, अब किया है, बात छेड़ी है, शुरुआत अपने आप से करो, विचार करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं महाराज, ये सच है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं और आप हमें जोड़ सकते हैं, आपको ये करना ही होगा। मैं नहीं करूंगा, मैं आपसे ही करवाऊंगा। हमें क्या करना है, हमें तो उपदेश देना, करना तो आप लोगों को है, आप ही लोगों से करवाना। बहुत बहुत अच्छा, मेरी आपसे बस यही विनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रद्युमन जी, और निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर प्रद्युमन जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुनील जी, रेखा जी, CFO गुणायतन। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न आज के जो क्लास थी बीच में उससे रिलेटेड है, ध्यान से रिलेटेड। उसमें मोटे तौर पे देखा जाए आत्र ध्यान, रोध ध्यान और धर्म ध्यान, तीन चीज पे बात थी। तो मैं जानना चाहता हूँ जी, जो हम संसारिक प्राणी संसारिक जीवन में रहते हैं, जहाँ पर पल पल जो है आर्त ध्यान रोध ध्यान की आशंका बनी रहती है हमेशा, तो उसके रहते अगर धर्म ध्यान करते हैं तो उसका एक तो क्या फल मिलता है, दूसरी चीज उसके प्रति हम पूरी तरह से सचेत कैसे रहें कि उनसे बच सके। देखो यहाँ आसपास में कोल फील्ड का एरिया है, और कोल फील्ड का जो एरिया है ना, बहुत डस्ट वाला एरिया है। वहाँ आप जाओ, अगर थोड़ा सा बदन में हाथ फेरो तो हाथ काले हो जाए, चारों तरफ से डस्ट आ रहा, हाथ काले आएंगे। अब क्या उपाय, घर आके नहाओ ना, जितनी देर नहाओगे उतनी देर तो फ्रेश रहोगे।
आप सब कोल फील्ड में रहते हो, आत रोत ध्यान की डस्ट 24 घंटे लगती है, लेकिन जब मौका मिले धर्म ध्यान का सिंचन कर दो, स्वस्थ हो जाओगे, नहीं तो गंदे ही बने रहोगे। इसलिए आत रोत ध्यान बना रहा है, धर्म ध्यान क्यों करे, नहीं डस्ट को साफ करो। समझ गए? चलिए सुनील जी, रेखा जी गुणायतन CFO, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं कीर्ति मुकेश जी दिल्ली से। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, जिन महापुरुषों ने कभी कोई डिग्री हासिल नहीं की, कभी कोई विद्यालय भी नहीं देखा, उनके दी गई शिक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाती हैं, PhD कराई जाती है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि शिक्षा कहाँ से आती है, शिक्षा का स्रोत क्या है और ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, शिक्षा कोई जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों से ही पाएं। शिक्षा तो मनुष्य की रुचि से प्रकट होती है और अनुभव से भी आती है। कुछ चीज़ें हम किताबों से पढ़ करके सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम अपने स्वयं के अनुभव से। हमारे पुराने अनेक महान महान संत और ऋषिगण मुनिगण हुए हैं जिन्होंने किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण नहीं की, पर उन्होंने इतना कुछ लिख दिया कि आज बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उन पर PhD की जा रही है। वो उनके अनुभव से लिखा गया। जो अनुभव के द्वारा लिखा जाता है वो हम सब के लिए अनुकरणीय होता है। तो अनुभव बहुत ऊंचा है, एजुकेशन से एक्सपीरियंस का महत्व तो बड़ा है। समझ गए? इसलिए मत सोचिए कि हम डिग्रीधारी होंगे तभी काम कर पाएंगे। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूं मैं कीर्ति जी मुकेश जी दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिल जी क्षमा जी अंकित जी सूरत से। नमोस्तु भगवान। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षमा। गुरुदेव, हमारे जीवन में मायाचारी कितने अंश में है, इसके पैरामीटर्स क्या है? हमारे अंदर मायाचारी कितने अंश में है, इसके पैरामीटर्स क्या? अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांकोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ छल कपट किया है, कहाँ कहाँ धोखा दिया है, दुराव छिपाव कहाँ कहाँ किया है, पाखंड और आडंबर को हमने कितना अपनाया, उससे पता लग सकता है कि हम कितने पानी में। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर अनिल जी क्षमा जी अंकित जी सूरत से, जो कि आगामी दिनों में आप लोगों के साथ बैठने वाले हैं, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा NC जैन साहब कार्य अध्यक्ष दिल्ली से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सर नमन सत्सत बंदन। मंचासीन छुलक महाराज को इच्छामि, भैया जी को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, एक मेरा प्रश्न मेरे मानस पटल पर हर समय घूमता रहता है कि जितने भी हमारे ग्रंथ पुराण प्रथमान योग चरणान योग द्रव्यान योग और करुणान योग के लिखे गए, वो पंचम काल में लिखे गए, और उनकी जिस तरीके से हमारे पूज्य आचार्यों ने व्याख्या की है उसकी, तो जिससे लोका कोष या कॉस्मोलॉजी का जितना विवरण दिया है और हम किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन पर विश्वास, उन लोगों को विश्वास होना बहुत ही कठिन हो जाता है कि ये वेदर मॉडर्न साइंस से वो एस्टेब्लिश्ड, और मॉडर्न साइंस से कॉन्फ्लिक्ट तो है ही उनका, और वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है और वो वास्तविकता है। तो वो जो भी जितने भी हमारे करुणानुयोग के स्पेशली या प्रथमानुयोग के जो भी व्याख्याएं या जो भी कहानियां लिखी गई हैं या जो लोगों को उसका वर्णन किया गया है, तो हम उसको कैसे, जो कि वो क्या हमारे पूज्य, ऐसा है, बिल्कुल सही है। जैन शास्त्रों में जो भूगोल और खगोल का वर्णन है वर्तमान भूगोल और खगोल से बिल्कुल मेल नहीं खाता, और हमें कभी मेल स्थापित करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। उनसे एक ही बात बोलना चाहिए, हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वियों का उल्लेख है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। हमारा जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है, और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी। अशाश्वत पृथ्वी में काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ प्रकृति का। उस प्रकृति के परिवर्तन के बाद यहाँ क्या क्या बदला, उसका शास्त्र आज लुप्त हो गया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र में जो जहाँ की बात लिखी गई वहाँ हम हैं नहीं, और हम जहाँ हैं वहाँ की बात शास्त्र में लिखी नहीं है, इसलिए शास्त्र भी सही है और विज्ञान भी सही है।
आप ये व्याख्या कीजिए, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आरेखन में काल के प्रभाव से परिवर्तन आता है। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर जब ये धरती बदली तो एक योजन ऊपर उठ गए। एक योजन उठना बहुत बड़ी एक घटना है। एक योजन होना माने बहुत बड़ा ग्लोबल चेंज। इससे कितनी बड़ी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा आप उसकी कल्पना करें। और इसके बीज हमारे शास्त्रों में दिखते हैं। कुल करो के टाइम में पर्वत दिखे, नदी नाले दिखे, चांद तारे दिखे। तो मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा परिवर्तन हुआ जिससे क्षुद्र पर्वत उप समुद्र निकल गए और पूरे जम्बू द्वीप से भरत क्षेत्र का कनेक्शन टूट गया। हो सकता है आज जो कुछ भी प्लेनेट्स देख रहे हैं वो उसी ऊर्जा के विस्फोट का परिणाम होगा और पृथ्वी ने ग्लोबल शेप ले लिया होगा। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ करके चलती है, इसलिए बनती और बदलती है। हमें इन सब में विवाद नहीं करना चाहिए, इसे आस्था का विषय मानना चाहिए। उनको तो न स्वर्ग पसंद है न नरक, तो हम क्यों उनसे उलझे। हम तो जीवन की व्यवस्था को बताने की बात करें, तत्व ज्ञान की बात करें, बैलेंस लाइफ की बात करें, हम अहिंसा की बात करें, संयम की बात करें, तप की बात करें, मैत्री की बात करें, वीतरागता की बात करें, ये बातें हम करेंगे तो ज्यादा सफल हो सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवासरी विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य गुरुवासरी प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। जय जय इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।